जमाना जरूर बेईमानी का है, लेकिन बेईमानी के धंधे में भी लॉयल्टी की ही कद्र है। जो लॉयल नहीं है वो किसी काम के नहीं, फिर चाहे धंधा बेईमानी का हो या फिर राजनीति। कहते भी हैं कि लॉयल्टी में बड़ी ताकत होती है। अपने काम के प्रति हमेशा लॉयल रहो। जिसके लिए काम कर रहे हो, जिसके साथ काम कर रहे हो, उसके लिए हमेशा लॉयल रहो। देर सवेर लॉयल्टी का इनाम आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जरा सोचो, तब किसी पर क्या गुजरती होगी जब लॉयल रहने के बाद आपको किनारे कर दिया जाए। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये लॉयल्टी की बात आखिर उठी क्यों है। दरअसल उत्तराखंड में चुनाव के नतीजे क्या आए, मानो कांग्रेस के विधायकों और नेताओं ने दिखाना शुरू कर दिया कि वह अपने नेताओं के प्रति कितने लॉयल हैं। सवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का था, लेकिन कुर्सी एक थी और दावेदार कई। ऐसे में दावेदारों में ही जंग छिड़ गई कि पार्टी के लिए किसने कितनी सेवा की है, पार्टी के लिए कौन कितना लॉयल है। कसर तो किसी ने नहीं छोड़ी थी, चाहे हरीश रावत हो या फिर विजय बहुगुणा या सतपाल महाराज या फिर हरक सिंह रावत हो, इंदिरा हृदेश हो या फिर यशपाल आर्य। लेकिन सबको चौंकाते हुए बाजी मार ले गए विजय बहुगुणा और मिल गई मुख्यमंत्री की कुर्सी। ऐसे में दूसरे दावेदार इसे कैसे बर्दाश्त करते। उनके समर्थक विधायकों को मिल गया मौका अपने पसंदीदा नेता के लॉयल्टी टेस्ट में पास होने का। फिर उन्होंने देर कहां करनी थी, खोल दिया आलाकमान के फैसले के खिलाफ मोर्चा। आखिर ऐसे मौके बार बार तो आते नहीं। यहां जो दौड़ में पीछे थे, उन्होंने तो आलाकमान के फैसले को ही नियति मान लिया। लेकिन जो दौड़ में आगे रहने के बावजूद पिछड़ गए थे, उन्होंने हार नहीं मानी और अपना लिए बगावती तेवर। आलाकमान पर फैसला बदलने के लिए खूब जोर डाला, लेकिन जब लगा कि दाल नहीं गलने वाली तो समझौता का रास्ता तो था ही। कुर्सी न मिली न सही, समझौते के बहाने कुछ तो हाथ लगेगा। सीधा मतलब है, भागते भूत की लगोटी ही सही। चुनाव में खंडित जनादेश मिला था। निर्दलीय UKTP और BSP विधायकों के समर्थन की बैसाखी से सरकार खड़ी है, तो 10 जनपद भी बेबस था। समझौते के बिंदुओं पर लगा दी मुहर। अब समझौते के बहाने हरीश रावत एंड कंपनी को तो मिल गई सरकार में बड़ी हिस्सेदारी, लेकिन जो बहुगुणा के लॉयल रहे, पार्टी के लॉयल रहे, वे रह गए खाली हाथ। यानी लॉयल्टी टेस्ट में पास होने के बावजूद उम्मीद के विपरीत सौगात तो मिली नहीं, दरकिनार कर दिए गए। यानी लॉयल्टी राजनीति से मात खा गई। कहते हैं राजनीति के मैदान में सब कुछ होता है, या यूं कहें कुछ भी हो सकता है। इसलिए जनाब, जब राजनीति के मैदान में हो तो सिर्फ लॉयल्टी से काम नहीं होता, होता है तो सही समय पर सही फैसला लेने से। इसलिए मौका देखो और चौका मारो, और जब लड़ाई कुर्सी की हो तो फिर लॉयल्टी से काम नहीं चलता। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ दीपक तिवारी, नेटवर्क 10 न्यूज़, देहरादून।